डिंपल यादव आज यहां पर जनता के बीच में हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि डिंपल यादव आज जनता से बात करने के लिए पहुंची हैं। डिंपल जी, क्या देख रही हैं माहौल यहां का? मैं समझती हूँ सब लोग 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और इतिहास रचने जा रहा है मैनपुरी से। महिलाओं के मुद्दे को लेकर लग रहा है डिंपल जी आप लोगों के बीच में पहुंचा रही हो, क्योंकि उत्साह जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा पहुंच रही है। महिलाएं बहुत उत्साहित है क्योंकि नेताजी ने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब जब समाजवादी की सरकार आई है तो हमारी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा रही है, महिलाओं की शिक्षा रही है, तो लोग में काफी उत्साह है। लगता है कितने वोटर से इस बार जीत होगी समाजवादी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित दिखाई दे रही है और आपकी जो कोशिशें हैं वो भी दिख रही है। मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की समक्ष जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपके माध्यम से। जो प्यार, जो स्नेह, जो सम्मान मुझे मिल रहा है यहाँ पे, धन्यवाद। लगता है कि जो मुलायम, शुक्रिया मैम। हमारे साथ डिंपल यादव जी मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि जनता का समर्थन और प्यार हमें भरपूर मिल रहा है, आने वाले समय में मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।